बसमल्लाम स्टूडेंट्स आज का हमारा सब्जेक्ट है इनकम टैक्स बी काम पार्ट टू आज हम देखेंगे कि इनकम टैक्स में कौन से चैप्टर्स हैं जिनको तैयार करना बहुत ज़रूरी है और इनमें इनको तैयार करके हम अच्छे मार्क्स जो है वो हासिल कर सकते हैं तो आइए सबसे पहले इनके चैप्टर्स पे एक नज़र डालते हैं इसमें पहला चैप्टर जो है वो इनकम टैक्स लॉ इन पाकिस्तान इसके बाद फिर आता है डेफिनेशंस डेफिनेशंस का जो चैप्टर है इसके बाद इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स कौन कौन सी इनकम जो है वो टैक्स से एग्जेम्प्ट है फिर सैलरी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कैपिटल एंड रेवेन्यू और इनकम फ्रॉम बिजनेस और आठवां चैप्टर है हमारे पास डेप्रिसिएशन का फिर आता है कैपिटल गेंस ये क्या होते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इनकम जो है वो किन किन जराए से हासिल की जा सकती है असेसमेंट प्रोसीजर क्या है सेल्फ असेसमेंट स्कीम इसका क्या तरीक़ेकार है और सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस और इसके बाद जो चैप्टर है वो है पेनल्टी ऑफेंसेस एंड प्रोसिक्यूशनस का फिर आता है इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स में शामिल है फिर अपील्स का चैप्टर है टैक्स अकाउंटिंग कैसे होती है और फिर हमारे पास सॉल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं इंडिविजुअल सेलरिड पर्सन की इनको आपने बड़े अच्छे तरीके से इनकी प्रैक्टिस करनी है और इनको सॉल्व करना है क्योंकि इन्हीं में से ज्यादातर पेपर में क्वेश्चन जो है वो आते हैं उसके बाद अगला चैप्टर जो है वो हमारे पास वो असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल नॉन सेलरड पर्सन पहले सेलरिड की बात थी अब नॉन सेलरिड पर्सन की बात है उसके बाद असेसमेंट ऑफ कंपनीज फिर आता है असेसमेंट ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्सन और उसके बाद है रीजनल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स फॉर डिस्कशन तो ये हमारे पास 22 चैप्टर्स हैं जिनको हमने इनकम टैक्स के सब्जेक्ट में पढ़ना है और इनको अच्छे तरीके से तैयार करना है लेकिन अब बात यह है कि इनमें से वो कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिनको आप अगर अच्छे तरीके से तैयार कर ले तो आपके हंड्रेड मार्क्स इसमें आ सकते हैं तो अगर हम इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात करें तो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में हमारे पास है डेफिनेशन इनमें से लाजमी क्वेश्चन आएगा इनकम एक्सेंट फ्रॉम टैक्स इसमें से भी 50 टू 60 परसेंट चांसेस होते हैं क्वेश्चन आने के सैलरी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कैपिटल एंड रेवेन्यू डिप्रिसन कैपिटल गेन्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ये वो लिस्ट है उन चैप्टर्स की जो कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिनमें आप समझिए कि पेपर में इनमें से कुछ ना कुछ जरूर आएगा सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, पेनल्टीज ऑफेंसेज एंड प्रोसिक्यूशन हैं और इनकम टैक्स अथॉरिटीज हैं इनमें से अगर आप देखें तो डेफिनेशन में से लाजमी क्वेश्चन आएगा इसमें से भी जो है आपको कुछ चांस है कि इसमें से भी फिफ्टी सिक्सटी परसेंट चांस होता है पेपर में आने का सैलरी इनकम फ्राम प्रॉपर्टी और ये जो सारे चैप्टर हैं कैपिटल एंड रेवेन्यू डेप्रीसी कैपिटल गेंस ये भी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है लेकिन इसमें अगर आप देखें इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ इसमें से क्वेश्चन आने के चांस नाइन्टी टू हंड्रेड परसेंट होता है आपने इसको बड़े अच्छे तरीके से तैयार करना है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लासेस इसमें से भी क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं डेप्रिसिएशन भी उन चैप्टर्स में से है जिनमें से क्वेश्चन आने का चांस है बल्कि बहुत ज़्यादा चांस है कैपिटल एंड रेवेन्यू इसको भी आपने बड़े अच्छे तरीके से तैयार करना है और इसके बाद सॉल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं इंडिविजुअल सैलरीड पर्सन की तमाम आपने जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं इनको बड़े अच्छे तरीके से बड़े आपने प्रैक्टिस इनकी बहुत अच्छी करनी है क्योंकि इन्हीं में से ज़्यादातर क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं तो ये मैंने जिनको आपको जो बताया है डेफिनेशंस हैं लाजमी क्वेश्चन इसमें से आएगा आपने इनकम एक्जेंट फ्राम टैक्स इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है कैपिटल एंड डेप्रिसिएशन सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लासेज और इनकम टैक्स अथॉरिटीज और फिर ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आप इनको अच्छे तरीके से तैयार कर लें तो आपके 90 टू 100 परसेंट मार्क्स जो हैं वो आ सक आसानी से आप ले सकते हैं अब इन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इन चैप्टर्स में से वो कौन कौन से अहम टॉपिक्स और पॉइंट्स हैं जो कि पेपर में आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं अगर उनको आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें तो आपकी पोजिशन और ग्रेडिंग पर बड़ा अच्छा फर्क पड़ सकता है